राम राम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई का तो चल रहा है भाई कटिंग का शेड्यूल, मतलब बिल्कुल नेचुरली है, ओनली डाइट के सपोर्ट से और सप्लीमेंट के सपोर्ट से यही चलेगा। तो भाई का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, टारगेट है हमारा 2.5 महीने का, यानी कि 75 दिन का। तो उसमें भाई का क्या डाइट चल रहा है मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगा, भाई का वर्कआउट शेड्यूल क्या रहेगा, वैसे वीकली अपडेट देता रहूँगा मैं आप लोगों को। बस आज भाई के साथ भाई का वर्कआउट कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में सारा डाइट की भी जानकारी दे दूँगा, वर्कआउट के बारे में भी समझा दूँगा। नेक्स्ट जैसे चेंजिंग आता है इस बॉडी में, जैसे चेंजिंग आता है आप लोगों को वो भी शो करेंगे कि कितने दिन में कितना हमारा मतलब हमें रिजल्ट मिला है। तो ये चल रहा है वार्म अप, डेली के डेली है ना, वार्म अप में कम भी 50 से 80 रेपुटेशन तो निकालने होते हैं डिप्स के, ये तो नॉर्मल है, लगाओगे तो और बढ़िया चेस्ट की फ्रेम निकल के आएगी। तो चेस्ट की आज भाई का चेस्ट की वर्कआउट और साथ में ट्राइसेप्स का वर्कआउट है, तो आज वर्कआउट फिनिश करवाएंगे। मॉर्निंग में चलती है एब्स की वर्कआउट और कार्डियो, सब मॉर्निंग में चलता है, भाई को बता देता हूँ, भाई लगा लेता है, मैं एक टाइम साथ में वर्कआउट करते हैं। तो आज थोड़ा सा वीडियो शूटिंग के चक्कर में पहले आना पड़ा है जिम में, तो अभी भाई का वर्कआउट लगाते हैं मस्त वाली, एक नंबर का चेस्ट पंप करके दिखवाऊंगा आप लोगों को। और इस वीडियो के जैसे एक्सरसाइज फिनिश होती है फिर आप लोगों के साथ डाइट भी शेयर कर देंगे, सप्लीमेंट भी शेयर कर देंगे कि क्या सप्लीमेंट चल रही है। स्टार्टिंग के 10 वही बिल्कुल सेम रखना है, स्लो स्लो नहीं चलेगा, जानिए ऊपर फास्ट, स्टार्टिंग के 10 रेपुटेशन। कटिंग के टाइम है ना सबसे ज़्यादा यूजफुल वर्कआउट होता है डंबल से, क्योंकि स्ट्रेंथ जब लगाते हैं जब बेंच प्रेस की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो अगर परफेक्ट फ्रेम चाहिए तो डंबल से वर्कआउट करो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रेपुटेशन जितना हो सके हाई लगाओ, 15+ 20+ ऐसा निकालो लाइट वेट के साथ। अब ये सुपर सेट चल रही है, अभी बेंच प्रेस चल रहा है डंबल के साथ, इसके साथ चलेगी फ्लाई, और स्टार्टिंग का 10 रेपुटेशन स्लो चलिए और फिर 10 चलेगी फास्ट। चलो सर चलो उठाओ, ये डंबल प्रेस के साथ डंबल फ्लाई है फ्लैट बेंच पर, आ जाओ। बस ऊपर का डंबल है ना थोड़ा सा भी बनाना है और नीचे इसको ऐसा सीधा करना बस, ताकि ये चीज़ है ना पूरी खिंचाव आ सके इसकी। बस ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएंगे बढ़िया वाला। तो इसके 3 सेट लगाने हैं, जैसे सुपर सेट चल रहे ना बेंच प्रेस के साथ डंबल फ्लाई फ्लैट बेंच पे, तो 20-20 रेपुटेशन प्लस रखनी है, 20-20, इसमें तो 20 लगाए थे और डंबल फ्लाई में लगाया था 15-15 रेपुटेशन। चलो साबस, चलो चलो साबस, सेम वेट उठाओ इसमें 7.5 ही। बस चलो साबस, बस चलो सर, तो ये दूसरा वर्कआउट है इनक्लाइन बेंच प्रेस, हालांकि इसमें पहले से ही वेट नहीं उठता। चलो 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 बस बस साबस, तो इसके भी सेम रेपुटेशन निकलेगा, 3 सेट लगाने हैं, 20-20 रेपुटेशन के लगाने हैं सारे के सारे, और अपर चेस्ट पे काम करने भाई की, अपने आप ये लोअर बन जाएगी। साबस, नहीं नहीं सिंगल वर्कआउट उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो साबस, नीचे डंबल घुमाने हल्का सा स्ट्रेट करने, बस साबस, पूरा 20 तक लेकर जाना। चलो साबस, कोनी कम बैंड करो, मोड़ो मत। चलो बस, चलो थोड़ा सा ये हल्का सा टाइट करके रखो चेस्ट ऐसे पूरा, हाँ सा बस। तो ये है केबल क्रॉस, भाई 50-50 रेपुटेशन के 3 वर्कआउट लगाएगा, यानी 150 रेपुटेशन लगाने हैं इसके, यही लाइनिंग क्लियर करेगा बीच वाली। ये वर्कआउट बहुत ही बढ़िया है वर्कआउट, मेरा तो फेवरेट है, हालांकि सबसे ज़्यादा मज़ा इसी वर्कआउट में भी आता है। चलो चलो आराम से आराम से, 50 लेके जाना पूरा।
तो ये भी वर्कआउट बिल्कुल बीच वाली है जो लाइनिंग है ना फाइबर्स, उसके लिए वर्कआउट है। यहाँ तक मिलाओ शोल्डर के सीध में, यहाँ तक ले आना है दूसरी वाला हाथ। हाँ, इसके भी लगाना है 3 सेट। इसके रेपोटेशन ज़्यादा है रखने, 20-20 के या फिर 15-15 के रेपोटेशन लगा सकते हो। जब तक ये लाइनिंग क्लियर नहीं हो जाती जब तक वर्कआउट ऐसे ही हार्ड चलेगा, क्योंकि कटिंग तो कटिंग ही होती है। थोड़ा सा सीट नीचे लेना था, नीचे ले लो हल्का सा। चलो चलो लगा लो ये, शाबाश। चलो फिर साथ में दोनों एक साथ भी लगानी है। जैसे अगर 15-15 अगर सिंगल वाले कंप्लीट करते हो तो 15 फिर सेम लगानी है दोनों एक साथ में। अगर सिंगल 12-10 लगाते हो तो सिंगल डबल भी सेम ही लगाना है, यानी रेपोटेशन दोनों में बराबरी रखनी है। काउंटिंग और बिना काउंटिंग के वर्कआउट मत लगाएं। चलो चलो शाबाश। हाँ, तो ये है चेस्ट फिनिशर वर्कआउट। जब भी चेस्ट की वर्कआउट लगाओ तो ये वाली वर्कआउट ज़रूर लगाना आखिरी में, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक तो शेप पूरा प्रॉपर ये अपर बॉडी पे काम हो जाएगा, और दूसरा चेस्ट रिलैक्स करती है। अंगूठे का जोर लगा कर रखो, अंगूठे का डंबल सीधा ये। हाँ, तो इसके 3 सेट लगाने हैं, 15-15 खींच दो, ठीक है। चलो शाबाश। तो चेस्ट की होगी भाई फिनिश, सब लगा रहे हैं ट्राइसेप्स की वर्कआउट। तो अभी मशीन पीछे बार कुछ और लगाया था ट्राइसेप्स में। चलो बस हाथ को ऐसे लेके जाओ नीचे। चलो 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 शाबाश। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा और हल्का सा नीचे और जाने दो, बस पूरा ऊपर सीधा। हाँ, तो ये भी चलेगा, हालांकि थोड़ा वेट ज़्यादा है तो कम से कम 15 रेपुटेशन तो निकल ही जाएगा इसका आराम से। चलो चलो, ये बहुत ही बेस्ट चेस्ट की वर्कआउट है। और जिस दिन चेस्ट की वर्कआउट हो उसके साथ कॉम्बिनेशन में या तो शोल्डर या ट्राइसेप्स यही लगा सकते हो, लेकिन हमने शोल्डर लगा रखा है पहले ही, तो इसलिए आज चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स लगा रहे हैं। और बस कॉम्बिनेशन में है तो सिर्फ 2 या 3, चलो रख दो, 2 या 3 या 4 वर्कआउट लगाएंगे ट्राइसेप्स की, बाकी चेस्ट की कंप्लीट लगाया हमने। तो ये वाली है दूसरी वर्कआउट। पिछले बार हमने सारा ओपन वेट लगाया था, आपके बार सारी मशीन पे लगा रहे हैं। ये सुपर सेट चलेगी लगातार, 15-15 रेपुटेशन निकाल लें। हाथ इधर ले जाओ, बाहर जा रहे हैं। हाँ, इसके 4 सेट लगाने हैं सुपर, 15-15-15-15-15 ऐसे करके। तो जितना सुपर सेट लगाओगे पर ये कटिंग के टाइम में जितना फैट है ना, बढ़िया मसल्स पंप होगा तो फैट ऑटोमेटिक कम होगा। तो ये वर्कआउट तो मेरी सबसे फेवरेट है। थोड़ा सा पीछे आओ, हल्का सा, बस हल्का सा ऊपर से डाउन करो, हाथ आगे लो बस। हाँ हाँ, थोड़ा सा हल्का हल्का, स्लो 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 बस। तो इसके लगाने हैं 15-15 के 3 सेट, भाई लगाएगा। देखो जिसका ऐसा कंडीशन है ना वो भी फॉलो कर सकता है, जिसका नॉर्मल कंडीशन है ये सारी वर्कआउट कंपलसरी है, कोई भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसका फैट ज़्यादा, बस रेपोटेशन का काउंटिंग है ना वो थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर फैट ज़्यादा हो तो रेपोटेशन बढ़ा के लगाया जाता है, और फैट कम हो तो रेपोटेशन लाइट लगाओ, कम लगाओ, जैसे 15-12-10 नॉर्मल होता है रेपोटेशन। बाकी अगर फैट ज़्यादा है तो 20-18-20-18-20 ऐसा लगाया करो। चलो करो बस, चलो। तो ये लास्ट फिनिशर वर्कआउट किक बैक। हालांकि केबल क्रॉस पे लगा रहा हूँ, पीछे बार ओपन लगाया था ना तो अब की बार मशीन पे लगा रहा है। तो ये फिनिशर वर्कआउट, 3 या 4 सेट इसकी मर्जी है, जितना मर्जी उतना लगा लो। थोड़ा सा पीछे ले जाओ और घूम जाओ ऐसे हल्का सा, ऐसे बस पूरा पीछे ले जाओ, इसको रोक के रखो यहाँ पे। हाँ शाबाश, ठीक है चलो। ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे, 2 महीने के अंदर करने का फायर चेस्ट हो गया, ट्राइसेप्स के ऊपर काम हो रहा है। हालांकि डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, पंपिंग के बाद अलग ही दिखेगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, धीरे धीरे आप ऐसा करने जाओ तो चेंज हो जाएगा। तो भाई का रूटीन भी आपको साथ में बताते हैं इस वीडियो में। तो भाई का डाइट तो यहाँ से स्टार्ट होता है, मिक्स फ्रूट से सवेरे मॉर्निंग में, केले और चीकू वगैरह यूज़ नहीं करता नॉर्मली, सेब अनार पपीता यही सब रहता है। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद ब्लैक कॉफ़ी पीता है,
सिर्फ पानी में बना के, दूध दाद यूज़ नहीं करता और ना ही उसमें चीनी वगैरह डालता, बिल्कुल फीका। और उसके बाद वर्कआउट करने चला जाता है, फ्रंट एक दिन फ्रंट एक दिन साइड, ऐसे पैर पेट की वर्कआउट चलती है मॉर्निंग में, साथ में थोड़ी देर कार्डियो चलता है जैसे रनिंग और क्रॉस ट्रेनर साइकिलिंग ये सब सारा कुछ करता है, जंपिंग जैक वगैरह सब सारा कुछ। उसके 10 मिनट बाद रूम पे आके अपना भाई प्रोटीन इंटेक करता है, वे प्रोटीन आइसो भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके 20 मिनट बाद चार एग वाइट खाता है और उसके बाद अपना ओट्स वगैरह बनाता है, पानी में ही बनाना है ओट्स, ध्यान रखना दूध वगैरह यूज नहीं करना, ना चीनी यूज करना, बिल्कुल फीका फीका खाना खाना पड़ेगा। ये ओट्स वगैरह बना के पैक करके अपना, ये भी भाई का ऑफिस है तो भाई ऑफिस निकल जाता है ये लेके, साथ में लंच भी, और ऑफिस में जाकर वहीं पे 11-12 बजे के करीब में ओट्स खाता है, फिर उसके बाद लंच करता है अपना नॉर्मली वेज हो गए, सब्जी ग्रीन वेज और चावल के साथ। उसके बाद 4 बजे 200 ग्राम स्वीट पोटैटो ऐड कर रखा हूँ इसके डाइट में भाई का, ताकि वर्कआउट करने से पहले ना बढ़िया कार्ब्स लोड हो सके शरीर में। उसके बाद है ना थोड़ा सा फ्रूट फिर खाता है, मिक्स फ्रूट जैसे पपीता अनार सेब वगैरह यही सभी है, तो ऐसे मैंने सो कर रखा है, इतने सारे फ्रूट नहीं खाने। उसके बाद मसल्स पार्ट की वर्कआउट चलती है बढ़िया हैवी वाली, रेपोटेशन के साथ लाइट वेट के साथ चलती है वर्कआउट मसल्स वाली। उसके तुरंत 10 मिनट बाद भाई का प्रोटीन फिर से इंटेक करता है, वे प्रोटीन ही चलवा रखा हूँ, ज़्यादा भसड़ क्या खर्चा क्या करवाना था। उसके बाद फिर 4 एग वाइट नॉर्मली अपना खाता है वहीं जिम से बाहर निकल के, और उसके बाद रात का जो डिनर होता है तो डिनर बिल्कुल सिंपल है, 200-250 ग्राम अपना चिकन खा लेता है। तो दोस्तों जिसका भी वेट मतलब फैट ऐसे है जैसे इस भाई का है, तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है ये, उस ऑफिस के अकॉर्डिंग बनाया गया है पूरा डाइट प्लान। और भाई का वर्कआउट प्लान ऐसा होता है कि मॉर्निंग में तो कर लेता है एब्स की वर्कआउट और कार्डियो लगा लेता है साथ में, और इवनिंग में सिर्फ मसल्स पार्ट वर्कआउट चलती है। इस भाई का मैंने डबल बॉडी पार्ट रख रखा है, लेकिन अगर आप एक टाइम जिम में जाते हो तो एक टाइम में आपको एक बॉडी पार्ट ट्रेन करना है और साथ के साथ एब्स करनी है और थोड़ा देर कार्डियो करनी है, और डाइट आप ये फॉलो कर लेना, बहुत ही अच्छा डाइट है और ज़्यादा बजट से बाहर भी नहीं जाएगा, नॉर्मल बंदों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो एक बार फॉलो करो, 1-2 हफ्ता फॉलो करके देखो, रिजल्ट 100% आएगा। तो बस ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके बताना, जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।